गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो फिफ्थ सेमिस्टर मैथ ऑनर्स भाई भाई मैंने कमी अच्छे पिले तो निहाते बहुत बढ़िया से थी। तो देखो पहले फिफ्थ सेमिस्टर आज हम देखिए प्रोबाबिलिटी तुम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोबाबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो या पूर्व क्लास में प्रोबाबिलिटी मास फंक्शन विषय में पढ़ी थी। आज देखा प्रोबाबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कौन है तो फर्स्ट बुझा। तो फर्स्ट ये डेफिनेशन को आस है तो फर्स्ट बुझ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहा कहुआ है ए वेरिएबल दैट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज विथिन ए सर्टन लिमिट बुझा पे है। तो ये गोटे कौन गोटे टाइप वेरिएबल है जो कि जे कौन कैर जहाँ अंडर सब ऑल पॉसिबल वैल्यूज आसी जाए कौन पे तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है। तो देख पे मोर रैंडम वेरिएबल जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अच्छी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विषय ऑलरेडी बतई सारी तुम से वीडियो जाके देखीदे आराम से बुझीज है। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अच्छी है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल इन कापरे एप्लीकेबल हम जितने तुम रैंडम वेरिएबल कौन थी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल थी कौन थी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ठीक अच्छे। चलो तो कौन कही देख है तो पी ऑफ है एक्स क्या लाइज कर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन द इंटरवल ए बी है। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन द इंटरवल ए बी है। तो एफ ऑफ एक्स को कौन कह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन द इंटरवल ए बी वेयर एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी यूनिटी है। तो मतलब से दुटा कंडीशन को सैटिस्फाई करथु एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आउ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बुझ पाला पे जमी आम पीएमएफ फंक्शन चेक करूँ है। तो पीएमएफ फंक्शन फर्मुला कौन थी पे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आउ कौन था समेसन ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स है इज इक्वल टू वन होता है यहाँ कौन था पीएमएफ फंक्शन रहा। तो सिमिलरली पीडीएफ फंक्शन कंडीशन कौन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव होती है आउ ऑल कौन कहो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स के वन हो बुझाला। तो ये तार कंडीशन ये तार डेफिनेशन मुझे क्वेश्चन करके बताऊँ तुम आराम से बुझीज है। चलो तो देख पे आम तार क्वेश्चन करवा ठीक अच्छे। तो देखिए कौन देख पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है तो ये कराई मुझे तुम करके बताई दूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आम कौन नहीं फंक्शन देखे सिक्स एक्स वन माइनस एक्स है सिक्स एक्स वन माइनस एक्स है और रेंज देखे कितने जीरो टू वन है रेंज देखे कितने पे तुम जीरो टू वन कि क्लोज कौन लिख पार यहाँ इंटरवल जीरो टू वन ठीक अच्छे बोले है। चल कौन है बोले तुम लिख ला कौन ओपन इंटरवल तुम कौन रहा क्लोज इंटरवल जीरो टू वन ठीक अच्छे। चल आगे चल है ये देखा है तो इंटीग्रेशन कर तो जीरो टू वन है यहाँ मल्टीप्लिक सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स तार इंटीग्रेशन कर है जो आंसर के वन आसवा कथ है तो सिक्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू है लिमिट जीरो टू वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री लिमिट जीरो टू वन है तो यहाँ काटले के थ्री है तो एक्स स्क्वायर जीरो टू वन माइनस यहाँ काटले हूँ टू एक्स क्यू जीरो टू वन ठीक अच्छे। तो थ्री को थ्री रहा अपर माइनस लोअर वन रो माइनस वन रो स्क्वायर माइनस जीरो रो स्क्वायर माइनस टू वन रो क्यू माइनस जीरो रो क्यू है। तो थ्री को थ्री रहा वन माइनस जीरो माइनस टू वन माइनस जीरो है तो कैसे बुझे थ्री एटा के थ्री एटा के टू तो आन्सर कैसे आसला वन आसला है। तो इट इज ए कौन इट इज ए पीडीएफ फंक्शन कौन एटा गोटे कौन पे तुम पीडीएफ फंक्शन है। तो पीडीएफ फंक्शन कैसे चेक कर आंसर कैसे आसो वन आस आंसर कैसे आसो वन आसो ठीक अच्छे। चलो आगे बढ़ है जो बुझीपाल तो सीटा को डिटेल्स लिखा ही है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखिए जीरो टू वन से पचार फाइंड कर नेक्स्ट पी ऑफ जीरो पॉइंट टू आउ लेस लेस देन एक्स जीरो पॉइंट फाइव आउ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री बाय फोर गिवन एक्स इज ग्रेटर देन वन बाय टू ठीक अच्छे। चलो तीन टा बिट अच्छी तो फर्स्ट बिट वन है ए रैल्यू कैलकुलेट करा कार वैल्यू बोले ए रैल्यू तो ए रैल्यू कैलकुलेट करने माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो आम जानो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन आम जानू है तो देना माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बट आम एक्चुअल लिमिट कौन के जीरो टू वन है एक्चुअल लिमिट के जीरो टू वन आम देखिए जीरो टू वन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो एफ ऑफ एक्स के बोले ए एक्स क्यू डी एक्स है तो इज इक्वल टू वन है तो ए कांस्टेंट बाहर कर दियो ए कांस्टेंट बाहर ही गला जीरो टू वन एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू वन है तो ए को ए रहा एक्स क्यू इंटीग्रेशन जानते एक्स फोर बाई फोर ये लिख दे जीरो टू वन इज इक्वल टू कैसे वन है तो ए बाई फोर है लिमिट पुट कर वन टू दुवार फोर माइनस जीरो टू दुवार फोर इज इक्वल टू वन है तो ये कैसे वन हो तो ए
ए बाई फोर इज इक्वल टू कैसे पे वन है ए बै फोर इज इक्वल टू कैसे वन है तो ए इज इक्वल टू कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो तो ए इज इक्वल टू कैसे फोर होगा है तो ए रैल्यू मिलगला ए रैल्यू कैसे पे तुम फोर ठीक अच्छे पे क्लीयर है नेक्स्ट आस है तो ये लिखाई तो आराम से नोट डाउन कर ठीक अच्छे नेक्स्ट आस सेकेंड बिट क्वेश्चन कौन दे बोले है तो सेकेंड बिट क्वेश्चन दे तुम है तो पी अफ 0.2 लेस देन एक्स लेस देन 0.5 है तो चलो तो यार मतलब कौन 0.2 रु नहीं कि 0.5 है एफ अफ एक्स के बोले तुम एफ अफ एक्स के ए एक्स क्यू डी एक्स ए रैल्यू तो मिलगला ए रैल्यू हूँ 4 है तो 0.2 रु 0.5 ए को 4 4 एक्स क्यू डी एक्स है तो 4 कांस्टेंट बाहर कर दियो एक्स क्यू इंटीग्रेशन के एक्स टू दर 4 बाई 4 लिमिट 0.2 रु 0.5 ए 4 4 कटिगला है तो 0.5 रो कितने हो 4 माइनस 0.2 रो 4 है तो सॉल्व कले 0.062 0.0625 माइनस 0.0016 है तो सॉल्व कले कितना 0.0609 है इतनी आंसर आसला है तो बिट वन बिट टू कंप्लीट हो गया वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर दिए तो देख बोले थर्ड बिट देख कौन कही है पी अफ एक्स इज ग्रेटर देन 3/4 गिवेन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 है तो कमी लिखा पी अफ एक्स इज ग्रेटर देन 3/4 और एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 तो कौन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करवा तो पी अफ एक्स इज ग्रेटर देन 3/4 इंटरसेक्शन पी अफ है तो आम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी अफ ए इंटरसेक्शन है कितने रहा ए बार बी है ए बार बी फॉर्मूला कौन था पे पी अफ ए बार बी ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय पी अफ बी एटा थेल कोन थला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला हला तो सेटा यूज करबा हला तो पी अफ एक्स इज ग्रेटर देन 3/4 इंटरसेक्शन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 हला तो ए दिटा भितरे कॉमन के आसुचे कॉमन पार्ट टा नबा तो पी एक्स इज ग्रेटर देन केते 3/4 बाय एक्स इज केते ग्रेटर देन 1/2 हला तो आराम से करो होला एक्स इज ग्रेटर देन कह कोइ छि 3/4 तो 3/4 रु बड तो इंटीग्रेशन केते 3/4 टू 1 एफ अफ एक्स डी एक्स एठी केते 1/2 रु बड 1/2 रु 1 जाय जीवो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है चल तो फर्स्ट टाक आई वन नेली तलटा ऊपर टाक आई वन एटा आई टू है तो आई वन बाहर करो तो 3/4 1 4 एक्स क्यू डी एक्स है बस नॉर्मल इंटीग्रेशन करो लिमिट पुट करो तो आंसर कितने आसुच्छे 175/256 है सिमिलरली तलटा करो है 1/2 रु 1 4 एक्स क्यू डी एक्स सॉल्व करो इंटीग्रेशन करो ये आसला 15/16 है तो नॉर्मली कौन सिंपली डिवाइड कर दियो आई वन बाय आई टू है तो आई वन बाय आई टू कले कैसे मिले आई वन बाय आई टू कले मत आंसर कैसे मिलला 35/48 है तो ये तुम कौन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फर्स्ट पार्ट है तो आई होप तुम आराम से बुझी पार्थ तो बहुत ही सिंपल अच्छी है जितने वन बाय वन तुम क्वेश्चन कर तो सब जिस आराम से बुझे बुझा तो ये तुम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पार्ट वन वीडियो ठीक अच्छे बोले तो आई होप तुम आराम से बुझी पार्थ तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट